दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों की आ रही थी कि सर गाय जो है वो लगातार बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज दे रही है लेकिन गैपिंग नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में क्या करें। देखो ये बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि डिस्चार्ज देने के पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल इम्बेलेंस। अगर मान लीजिए हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया, हार्मोन का जो संतुलन होता है वो बिगड़ गया है, इस वजह से होता है। नंबर टू जो रीजन होता है वो होता है सिस्ट का। भाई कई प्रकार की सिस्ट होती है जिसमें फोलिकुलर सिस्ट प्रमुख है, तो जब सिस्ट हो जाती है तब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। ल्यूकोरिया बीमारी जो कि बच्चेदानी का एक बहुत बड़ा संक्रमण है, अगर वो हो जाता है तो भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। यानी बच्चेदानी में संक्रमण नंबर वन, नंबर टू जो रीज़न होता है हार्मोनल हो सकता है, नंबर थ्री जो रीज़न होता है वो आपने अभी देखा कि इसमें अगर मान लीजिए कि विटामिन मिनरल्स की कमी होना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस तरीके से ये जो तीनों चारों कारण है आप विटामिन मिनरल्स की कमी वाला, ये तो चलो हम विटामिन मिनरल देते हैं तो उससे दूर हो जाता है, लेकिन सिस्ट हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना या हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाना, ये बड़ा ही बहुत खतरनाक मैटर है जो पशुपालकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऐसी कंडीशन जब भी आपको मिले, नंबर वन किसी कुशल अच्छे अनुभवी पशु चिकित्सक से आप उसको ट्रीट करवाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि ज़्यादा देर लापरवाही होने से फिर खराब हो जाता है। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। वो बताने के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि आप अगर मान लीजिए लंबे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पशुपालक क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मेरी गाय को प्रॉब्लम क्या हुई है, ये ऐसे कर क्यों रही है। तो अगर लंबी हीट में रह रही है, डिस्चार्ज लगातार देती जा रही है, ऐसी कंडीशन में आप डिस्चार्ज को भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डिस्चार्ज मटमेले होते हैं, वाइटिस होते हैं, तो वहाँ तो कन्फर्म इन्फेक्शन होता है, लेकिन कई बार डिस्चार्ज सही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा गिरता है, कई बार पानी जैसा गिरने लग जाता है। ये सारी की सारी जो स्थितियाँ हैं ये हम इन तीनों स्टेप की तरफ इंगित करती है कि इनको आप क्योर करवाइए। और इनको क्योर करवाने के पीछे एक बहुत अच्छा कदम जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप पहली बात अच्छी सी दवा से डिवॉर्मिंग करवाइए, ये मैं हर बार बताता हूँ। ट्रेस मिनरल्स की गोलियाँ दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हल्दी खिलाइए। हल्दी अगर आप कम से कम 1 से 2 किलो हल्दी उस गाय भैंस को खिला देते हैं, उस गाय को खिला देते हैं जिसके कि इस तरीके से पानी गिर रहा है, तो फ़ायदा होगा। यानी कि क्रॉस करवाने से पहले पहले आप हल्दी खिलाइए, उसका भी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर हम दवा में बात करें तो सबसे अच्छी एक होम्योपैथी दवा जो हमने टेस्ट की और अच्छा रिजल्ट मिला, जिसका नाम है एपिसमेल। जी हाँ, एपिसमेल जो है वो 1 mg पोटेंसी में आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डोज आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी नॉर्मली जो 200 पोटेंसी की आती है उसको 1-1 ml सुबह शाम दिया जाता है और 15 से 30 दिन तक देते हैं, जितने में ये सिस्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये तीनों काम करने से पहले अगर हम एक विशेष काम कर सकें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो होता है बच्चेदानी में दवा छुड़वाना। आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए, और कोई भी अच्छा ब्रांड, देखिए दवा में गलती मत करना, किसी भी अच्छा ब्रांड जिस पर इंट्रा यूटराइन लिखा हुआ हो। एक्चुअली क्या होता है, कई बार गलती में या मान लीजिए कम खर्च के चक्कर में हम यूं ही कोई दवा है उसको डाल देते हैं कि हाँ ये एंटीबायोटिक है काम कर जाएगी, एंटीसेप्टिक है काम कर जाएगी, लेकिन नहीं, जो बच्चेदानी के लिए दवा बनी हुई है जिस पर स्पष्ट लिखा रहेगा इंट्रा यूटराइन, वही दवा का इस्तेमाल आप 3 दिन करवाइए। उसके बाद देखिए एक हीट छोड़ेंगे आप और दूसरी हीट तक वेट करेंगे, जितने में जो ज़्यादा डिस्चार्ज वाली जो प्रॉब्लम थी ना वो एकदम से मिट जाएगी।